नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ट्रांसपोर्ट संचालक ओम प्रकाश नवलानी के ऊपर 2 जून 2021 की रात को हुए सामूहिक हमले में करीब 2 माह से फरार चल रहे आरोपी कांग्रेस महासचिव व नर्मदा प्रेस काउंसिलिंग के अध्यक्ष कहलाने वाले अयोध्या प्रसाद रावत उर्फ बबलू रावत ने शहर कोतवाली में आज 11 बजे सरेंडर किया। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि 2 माह से फरारी आरोपी ने कहां काटी। गहन पूछताछ के बाद जिला अस्पताल में मेडिकल के उपरांत 3 बजे तक आरोपी रावत को पुलिस जिला कोर्ट में पेश कर सकती है। इस घटना के 2 अन्य आरोपी को पूर्व न्यायालय ने जमानत मिल चुकी है। वहीं प्रभारी संतोष सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वहीं जमानत के अभाव में आज आरोपी ने सिटी कोतवाली में सरेंडर किया। सिटी कोतवाली TI संतोष चौहान व उनकी टीम को बधाई, क्योंकि TI साहब के अथक प्रयास के बाद दबिश के कारण 2 माह से फरार चल रहे 326 के आरोपी ने सरेंडर आज सुबह ही किया। माखन नगर बाबाई से आशीष दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप KKR न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।